खबर सीजी न्यूज में आपका स्वागत है। जांजगीर चांपा की अड़भार चौकी की पुलिस ने 14 साल के लड़के को घर में बंधक बनाकर 80,000 रुपए की फिरौती की मांग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 341, 363, 364 ए, 367, 506 के तहत जुर्म दर्ज किया है। अड़भार चौकी के प्रभारी नवीन पटेल ने बताया कि अड़भार की बसंता बंजारे ने रिपोर्ट दर्ज कराई। उसका लड़का और उसकी लड़की सारसकेला गांव जा रहे थे। वे अंडा गांव पहुंचे थे कि रास्ता रोककर सुरेंद्र खूटे ने 14 साल के लड़के को पकड़ लिया और जबरन अपने घर ले गया। यहां वह 80,000 रुपए की फिरौती की मांग करने लगा और जान से मारने की धमकी देने लगा। इधर महिला की सूचना के बाद अड़भार चौकी के प्रभारी नवीन पटेल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी सुरेंद्र खूटे के चंगुल से लड़के को छुड़वाया। पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र खूटे को गिरफ्तार किया है और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। राफिया बसंता बंजारे निवासी अड़भार चौकी आकर के लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका नाबालिग बेटा भूपेंद्र दिनकर उम्र 14 वर्ष एवं सोनिया दिनकर दोनों दिनांक 26/12/2021 को अड़भार से सारस किला जा रहे थे। जैसे समय करीबन 2:30 बजे ग्राम अंडा पहुंचे थे, तभी अंडा निवासी सुरेंद्र कुमार खोटे द्वारा भूपेंद्र दिनकर को अपहरण करके अपना घर ले गया एवं बंधक बना करके रखा तथा उसको मुक्त कराने के लिए 80,000 रुपए फिरौती रकम की मांग कर रहा था। रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर चौकी अड़भार में धारा 341, 363, 364 ए, 368, 506 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के द्वारा निर्देश दिया गया कि अपहरित बालक भूपेंद्र दिनकर को आरोपी के चंगुल से शीघ्र मुक्त कराया जाए तथा आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए कि निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हमराज स्टाफ के ग्राम अंडा पहुंचकर आरोपी सुरेंद्र कुमार खूटे पिता नरसिंह खूटे उम्र 31 वर्ष साकिन अंडा के कब्जे से अपहरित बालक भूपेंद्र दिनकर को मुक्त कराया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर सीजी न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। यदि आप Facebook यूजर है तो तेज अपडेट के लिए हमारे Facebook पेज को फॉलो कीजिए। Twitter और Instagram में भी आप हमारी खबरों को देख सकते हैं। पोर्टल पर हमारी खबरों को पढ़ने के लिए लॉगिन कीजिए www.khabarsijinews.com।